फिरोजाबाद पुलिस और गो तस्कर बदमाश के बीच अराउंड बाईपास मैनपुरी रोड पर हुई मुठभेड़। 10,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से देशी तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। अस्पताल के स्ट्रेचर पर घायल पड़ा गो तस्कर गिरोह का कुख्यात बदमाश इस्तियाक उर्फ पठान है और यूपी पुलिस का 10,000 का इनामी बदमाश है। पुलिस की माने तो थाना अराउंड पुलिस को सूचना मिली थी गो तस्कर गिरोह किसी वारदात की फिराक में था। पुलिस ने बदमाश की घेराबंदी कर दी। पुलिस से घिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने घायल हुआ है। पुलिस ने आरोपी बदमाश के कब्जे से एक बाइक और देशी तमंचा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस इसके अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। सर इसमें क्या कार्रवाई हुई? देखिए अराव पुलिस द्वारा अराव बाईपास पे चेकिंग की जा रही थी, तभी सामने से एक बिना नंबर प्लेट का एक व्यक्ति स्प्लेंडर बाइक पे आता हुआ दिखाई दिया। रोकने का प्रयास किया गया, तब तक ये व्यक्ति हड़बड़ाहट में वहीं गिर गया और इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाबी में आत्मरक्षार्थ में अराव पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिससे इसे पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल इसको इलाज के लिए जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद इसको भेजा गया। इसके पास से जो बरामदगी हुई है उसमें एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर, दो अदद जिंदा कारतूस 315 बोर और साथ ही इसकी बाइक स्प्लेंडर जो बिना नंबर प्लेट की है। पूछताछ में इसने अपना नाम इश्तियाक, पिता का नाम जफर खां, ये निवासी नदराला थाना जसरतपुर जिला एटा का रहने वाला है इसने ये बताया। और गहनता से छानबीन की गई तो इसके विरुद्ध कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद में इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है। वर्तमान में ये नसीरपुर में मुकदमा अपराध संख्या 187/24/3 गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त भी है ये। इस पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। इसमें इसको गिरफ्तार किया गया है, साथ ही इसका पुलिस अवरक्षा में इलाज चल रहा है। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे।